आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और आप 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? आपको बताना है संगीत सम्राट कहे जाने वाले तानसेन के गुरु का नाम क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिदास। ठीक है, तो हरिदास जो थे वो तानसेन जी के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तालवंडी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध जी के जीवन की किस घटना से संबंध नहीं है? मतलब चार विकल्प में से कौन सी ऐसे विकल्प हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं रखते? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांची। सांची में स्तूप तो बना है लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध जी के जीवन से कोई संबंध इसका नहीं है। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? नांदेड़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण बीड़ा विलास की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था तानसेन को। वो उपाधि था कंठा भरण वीड़ा विलास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्त से पूर्व महावीर स्वामी का क्या नाम था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्धमान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ मल्हार के रचयिता जो हैं वो तानसेन हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथकली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य गरबा नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कथक शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है, ओडिसी ये भी शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी ये भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से। अगला देखते हैं, प्रेमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिसी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोपी कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सितारा देवी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है?
तो सही जवाब का ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब का ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काडाम लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओराव से। आगे देखते हैं, शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? ऑप्शन बी सही होगा डांडिया। अगला, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो लोक नृत्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी लोक नर्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मेघालय का बम्बो नृत्य। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो यहाँ पे शास्त्रीय गायन से जो संबंधित है वो मल्लिकार्जुन मंसूर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंध रखते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गजल गायकी से। अगला देखते हैं, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा लखनऊ में भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, आमिर खुसरो का नाम किस वाद्यंत्र से के आविष्कार से संबंधित है? आमिर खुसरो का नाम, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सितार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाद स्वरम से। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस वाद्यंत्र से संबंधित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी वीड़ा से, एस बालचंद्रन वीड़ा वाद्यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, वह वाद्यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की थी, तो अमजद अली खां कौन सी वाद्यंत्र बजाने में निपुणता हासिल किया था अमजद अली खां ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरोद। अगला प्रश्न है, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन बीड़ा का आविष्कार करने वाले थे मनमोहन भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुदई महाराज। अगला प्रश्न है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो मुगल चित्रकला शैली की विशेषता जो है वो इस तीनों है उपरोक्त सभी, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृत चित्रण और युद्ध दृश्य। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्रकला, किस क्षेत्र में यामिनी राय ने बहुत नाम कमाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यामिनी राय को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो यहाँ पे बनी ठनी जो चित्र है वो है ऑप्शन बी सही होगा किशनगढ़ शैली पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी
हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? सही जवाब का ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन डी सही होगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकला के लिए बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंजेलो। अगला देखते हैं, विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? द लास्ट सपर, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो द विंची की, विंची की है। अगला देखते हैं, मुगल कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता था? तो सभी को पता होगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर। जहांगीर कला प्रेमी था और इसके काल को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी जो संबंधित है ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बूंदी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पुराने चित्र किस गुफा के हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एलोरा। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। बौद्ध ग्रंथ की किस शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता मानी जाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हीनयान। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधार भूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का जो आधार भूत बिंदु है वो अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा इनका वाक्य है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर किसमें थे? सभी को पता होगा जैन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, जैन धर्म। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। जहाँ तहाँ जहाँ यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाभारत में। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो प्रतीक है महापरिनिर्वाण का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सा आता है या किसको शामिल किया गया है वेदत्रयी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, अथर्ववेद को वेदत्रय में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो ऋग्वेद पर आधारित कौन सा संकलन है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामवेद। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रामायण भी है, वेद भी है, महाभारत भी है। अगला देखते हैं, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? मौलिक, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जय संहिता। अगला प्रश्न, महाभारत का प्रारंभिक नाम, तो प्रारंभिक नाम चाहे मौलिक नाम जय संहिता ही है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी जय संहिता। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो जो बौद्ध धर्म में 5 महाव्रत हैं उसका उल्लेख मिलता है छंदोग उपनिषद। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र योम अंगिरा किस शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी छंदोग उपनिषद। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत पुराण। अगला देखते हैं, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध ऑप्शन बी सही होगा झारखंड से है। चलिए अगला देखते हैं, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा जो है वो बिहार और झारखंड से संबंधित है, दोनों राज्य से, दोनों स्थानों पे कर्मा पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध निम्नलिखित से संबंधित है किस धर्म से? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बल्लभाचार्य। ठीक है, अगला देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है ऑप्शन बी पर संबंधित है मीमांसा से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? भाग्यम फलम सर्वदा ना चा विद्या ना पौरुषम। तो यहाँ पर ये कहा गया है अवजीव कुल ने, ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन कर्म करने से भाग्य बदलता है, तो कर्म करते रहिए देखा जाएगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, शागादावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। चलिए अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण सुभद्रा एवं बलराम के सम्मान में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जाती है हर वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? कौन सा महीना इस्लाम धर्म में रमजान महीने के अंत में प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईद उल फितर। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईद उल मिलादुल नबी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कंस मेला का आयोजन मथुरा में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दुमका का हिजला मेला ऑप्शन डी सही होगा, मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला प्रश्न है,
पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीपावली। तो मित्रों TGT की परीक्षा ये मान के चलिए कम से कम 2-3 महीने के बाद निश्चित ही करा ली जाएगी, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए पुनः एक बार। और TGT का जो स्पेशल बैच चलने वाला है इस चैनल पर निशुल्क, और स्टार्टिंग बैच आपको दिया जाएगा, शुरू से सब कुछ वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। और एक क्लास आपको रात्रि 9 बजे से 10 बजे का 1 घंटे का क्लास आपको दिया जाएगा। उस क्लास में स्टार्टिंग बैच रहेगी और शुरू से जिन छात्रों को तैयारी करना है वो 9 बजे से आप इस चैनल पर तैयारी TGT कला की कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लास में जुड़ना है और शुरू से पढ़ना है तो आप 9 बजे की क्लास जरूर कीजिएगा। मित्रों चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता रहेगा, आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और जिन छात्रों को शुरू से स्टार्ट से पढ़ना होगा तो क्लास 9 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, श्रावण मास में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हेलवीट। कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए सही होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में, ऑप्शन ए सही होगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए सही होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शैलोत्कर्षण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बद्रीनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैसूर। गोवर्धन पीठ कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब होगा पुरी, जगन्नाथपुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजगिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हम्पी के विट्ठल स्वामी का मंदिर कराया था निर्माण कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था? सही जवाब का ऑप्शन ए, खजुराहो। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन सी, पूर्वी गंग। अगला प्रश्न है, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहदेव द्वितीय ने। खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पटना में। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन स्थित है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, मैरिना बीच कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, परवेश शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? तो विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का लाल किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होनशांग स्मारक। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में अवस्थित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120, पेंटागन कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत महोत्सव, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1982 से भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अंकोरवाट का मंदिर अवस्थित है कंबोडिया में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ धाम अवस्थित है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो मित्रों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। और आप अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं TGT आर्ट की क्लास को, तो 9 बजे से क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो शाम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।